यात्रियों की लॉटरी लगी नहीं ली, यात्रियों से सीधे पूछते हैं, चलते हैं सीधे दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर, मेरे सहयोगी प्रकाश खड़े वहां चलते हैं सीधे, उसके बाद दूसरे मेहमानों से भी बात करेंगे। प्रकाश जल्दी से लोगों की राय लीजिए, उनको ये बजट कैसा लगा? जी हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम जाने की कोशिश करेंगे। सर आप ट्रैवल करते हैं, आप पैसेंजर हैं, बजट कैसा लगा आपको? जो घोषणाएं की गई हैं आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं और कितना संतुष्टि आपको मिली है? सर जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक कुछ बोला नहीं जा सकता इसके बारे में। बजट फेयर है हमारे लिए, वुमेन प्रायोरिटी होनी चाहिए, वुमेन सेफ्टी प्रायोरिटी होनी चाहिए और कन्फर्म टिकट बिग मैटर। दिल्ली के लिए जो रिंग सर्विस है, रिंग रेल सर्विस है, उसको भी रिवाइव करने की बात कही गई है, कैसा पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से देख रहे हैं इसको? वो बहुत एक अच्छा कदम है मेरे हिसाब से, सरकार का बहुत अच्छा कदम। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, बजट रेल बजट से उम्मीदें थी लोगों को, ये बजट कैसा लगा? कई तरह की सुविधाएं की घोषणा की गई है, कन्फर्म टिकट 2020 तक हर किसी को जब चाहे कन्फर्म टिकट देने की बात कही गई है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? बस एक लाइन में बताएंगे, 50-50 है, 50-50 है। आप बताएं आपको किस तरीके से लगा ये? ठीक है प्रकाश, 50-50 है, तो किसी को फेयर लग रहा है, किसी को 50-50 लग रहा है और किसी को बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन दो खास मेहमान और जुड़ चुके हैं मेरे साथ, तिलक राज सेठ साहब जुड़ चुके हैं, एग्जीक्यूटिव वीपी है मोबिलिटी सीमेंस के, और अरुणेंद्र कुमार है फॉर्मर चेयरमैन रेलवे बोर्ड के, इनसे भी बात करूंगा। लेकिन मैं आपके पास आऊंगा यहां पर विज साहब, आपका भी कमेंट जरूरी है, 50-50 फेयर या लॉटरी जैसा बजट, और आपके हिसाब से कौन सी ऐसी चीजें जो कर सकते थे रेल मंत्री नहीं कर पाए इस बजट में? देखिए पब्लिक परसेप्शन ये है कि यात्री सुविधाओं के साथ ज्यादा किराया देने के लिए तैयार हैं। ऑलरेडी 75,000 करोड़ एक्सपेंडिचर होता है पैसेंजर ट्रैफिक के लिए और 45,000 सिर्फ रिकवरी होता है। ये गैप की वजह से फ्रेट बहुत कास्ट हाई हो चुकी है, वर्ल्ड में शायद हाईएस्ट इंडेक्स है, तो ये चीज़ को ब्रिज करना बहुत ज़रूरी था। थोड़ा किराया बढ़ जाता पर शायद क्योंकि फ्यूल के प्राइसेस कम हुए हैं इस डर से और कुछ मे भी सोच करके कि इसका कोई पब्लिक के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े सोच में, तो ये शायद नहीं किया गया। पर फिर भी संसाधन जुटाने हैं, रेलवे में इन्वेस्टमेंट बहुत होनी चाहिए, रोड्स में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, जबकि रेलवे में इन्वेस्टमेंट जो कि 56% हुआ करती थी अबाउट ए डिकेड बैक, वो अब 30% रह गया है। तो इस चीज़ को बदलना है क्योंकि रेलवे जो है एक कंट्री की इकोनॉमी की ग्रोथ में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, इकोनॉमी का बहुत बड़ा सहारा है रेलवे, और रेलवे को अब चैलेंजेस मीट करने हैं हाईवेज की ग्रोथ से, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की ग्रोथ से। तो रेलवे को अगर एनवायरमेंटली और कास्ट इफेक्टिव मानना चाहिए तो इसके लिए वो जो सूटेबल इन्वेस्टमेंट्स है वो होने चाहिए, इन्वेस्टमेंट सूटेबल चाहिए और इन्वेस्टमेंट पे ही कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। लेकिन सेफ्टी के लिए जो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है उसमें अलॉटमेंट भी और ज्यादा होना चाहिए। ठीक है सर, आ रहा हूं मैं आपके पास, अरुणेंद्र कुमार भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर चेयरमैन रेलवे बोर्ड के। मिस्टर कुमार आपसे पहला सवाल, क्योंकि आप रेलवे बोर्ड को हेड कर चुके हैं सर, इस रेल बजट को आप कैसे देखते हैं? मैं जो स्पीच के माध्यम से बताया गया है वो एक सुविधाओं को बहुत जोर दे के बताया गया, यात्री सुविधाओं के लिए जो नॉर्मल बजट में से थोड़ा हटकर है, क्योंकि पूरे बजट में सुविधाओं की बात उन्होंने शुरू से आखिर तक करी है काफ़ी हद तक, और जैसे कि महिलाओं के रिजर्वेशन की बात करी है, सीसीटीवी की बात करी जाए, या बम्बई में एलिवेटेड कॉरिडोर बना की बात करी गई है, या दिल्ली में रिंग रेलवे और नए स्टेशन खोलने की बात करी गई है, सीनियर सिटीजन्स के रिजर्वेशन की बात की गई है, बच्चों के लिए मिल्क फूड और साथ साथ सफाई की बात की गई है ट्रेनों में, तो पूरा एक पैकेज उन्होंने बनाया कि हर वर्ग के यात्रियों की जो सुविधा की आवश्यकता है उसको उन्होंने बहुत फोकस दिया है और ये कोशिश की है कि यात्रियों का जो ट्रैवल एक्सपीरियंस हो वो अच्छा हो। ठीक है सर, तिलक राज जी भी हमारे पास है, उनके पास जाएंगे। लेकिन रीता बगुड़ा जी आपके पास आऊंगा, आप बहुत देर से हैंड रेज कर रही हैं, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं रीता बगुड़ा जी कि यहां पर आपत्ति किस बात पर, अगर यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखा गया तो आपत्ति किस बात पर है? नहीं आपत्ति नहीं है, सच्चाई का सामना करिए कि एनडीए की सरकार तो वादों की सरकार शुरू से है और पिछले 2 सालों में कोई भी चीज बदलती नजर नहीं आ रही। आप अभी इन्होंने कहा रीता जी ने बजट देखा नहीं, मैंने बजट का एक शब्द सुना, मैं 3 छोटी-छोटी टिप्पणियां करना चाहती हूँ। बोलिए बोलिए। सबसे पहली टिप्पणी तो मेरी ये है कि आप देखिए 2000 आपने कहा कि सेफ्टी पर और सुविधाओं पर ध्यान, सेफ्टी की हालत ये है सुरक्षा की कि 2013 में कुल 118 एक्सीडेंट हुए और 54 जाने गई और अभी दिसंबर तक 2016 के 136 एक्सीडेंट हो चुके हैं और 64 जाने जा चुकी, यानी कि 118 से 136 एक्सीडेंट्स हुए। दूसरा फ्रेट,
ये जो माल ढुलाई है उसमें काफी कमी आई है रोड ट्रांसपोर्ट पे, रेलवे ट्रांसपोर्ट। इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं आपका, जो मैं कहना चाहता हूँ आप जो सवाल उठा रहे हैं इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं। एक लाख अस्सी हजार करोड़ LIC से फ्रीज्ड इंटरेस्ट पे लोन लेने की बात हो रही है। अब फ्रोजन इंटरेस्ट पे आप लोन लेंगे, LIC में जो इन्वेस्टर्स हैं, और आपको ये पैसा वापस भी करना पड़ेगा। तो मुझे समझ में नहीं आता, आप कह रहे 8,500 करोड़ हम बचाएंगे, पिछले बजट में आपने क्या खर्चा किया उसका कोई उल्लेख नहीं हुआ, क्या बचत हुई है कोई उल्लेख नहीं। तो इस तरह के वादों पर तो वही हो गया, काला धन वापस लाएंगे, महंगाई कम करेंगे, किसानों को खुशहाल करेंगे, रोजगार देंगे। अभी 7वां वित्त आयोग की रिपोर्ट आ रही है, उससे जो खर्चे बढ़ेंगे उसका आप क्या करेंगे। आपने कहा हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, मतलब सर्विसेज में हम ऑनलाइन सर्विस देंगे, आप कहाँ निकाल रहे हैं? आप तो PPP मॉडल पे आप, नरेंद्र तनेजा जी से जवाब दे लेंगे आपकी बात का। पूरे हिंदुस्तान का रेलवे एम्प्लॉय स्ट्राइक करने जा रहा है और आप कह रहे हैं कि हम नौकरियां ऑनलाइन करेंगे, आप नौकरी निकालेंगे ही नहीं। ठीक है रीता जी आपकी बातों का जवाब ले लेंगे, लेकिन उससे पहले हम बड़ी खबर दिखा दें। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन AK मित्तल से एक्सक्लूसिव बात की है जी मीडिया ने, और उन्होंने कहा कि रेल बजट आम आदमी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। जी मीडिया से खास बातचीत में मित्तल ने कहा कि किराया नहीं बढ़ाने का फैसला काफी कठिन रहा लेकिन किया गया। देख लीजिए ये बातचीत। हमारे साथ बात करने के लिए हैं AK मित्तल, चेयरमैन रेलवे बोर्ड। सर सबसे पहला सवाल, आप इस बजट को किस तरीके से देखते हैं, आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए इस बजट में मेन फोकस हमारा कॉमन मैन रहा है और दूसरा फोकस ये रहा है कि जो हम लोगों ने चैलेंजेस और जिस विजन से पिछला बजट पेश किया है उस मोमेंटम को हम किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इस बजट में कॉमन मैन के लिए सारी सुविधाएं जो हम बढ़ा सकते हैं वो हमने बढ़ाने की कोशिश की है। कैपेसिटी एनहेंसमेंट के लिए जो वर्क्स हमने पिछले साल सैंक्शन किए थे उनको आगे बढ़ाया है और नए वर्क्स आगे लेने की कोशिश की है। इस बजट में हमने कोई फ्रेट और फेयर इंक्रीज प्रपोज नहीं किया है और इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी क्योंकि इस साल की ग्रोथ स्टोरी कोर सेक्टर में स्लो डाउन, ग्लोबल स्लो डाउन की वजह से अच्छी नहीं रही है जिससे हमारा फ्रेट ट्रैफिक अफेक्ट हुआ है। तो हमें अपनी नेट परफॉर्मेंस ठीक रखने के लिए जिसका एक मापदंड ऑपरेटिंग रेशियो होता है उसे मेंटेन करने के लिए हमने अपने खर्चों में काफ़ी कमी की है और जिसकी वजह से हम इस साल का ऑपरेटिंग रेशियो 90% प्रोजेक्ट कर पाए हैं। तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन AK मित्तल का कहना है कि फैसला काफी कठिन था लेकिन हमने ये फैसला लिया और किराया नहीं बढ़ाया, ना ही माल भाड़े में कोई बढ़ोतरी गई। मेरे साथ इस वक्त अरविंद गुप्ता जुड़ चुके हैं, कन्वेयर हैं BJP IT सेल के। मिस्टर गुप्ता स्वागत है आपका। और यहाँ पर सवाल जो यहाँ पर उठ रहा था, सवाल यह है कि आपने कोई नई घोषणा नहीं की, कोई विजन पेश नहीं किया, ये कांग्रेस की तरफ से आरोप है अरविंद गुप्ता आपकी सरकार पर, आपके रेल मंत्री पर, जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए जो प्रोजेक्ट्स हैं काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स पहले से चल रहे हैं उनको एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है और जो रेल के अंदर ये कहना गलती है कि कोई नए प्रोजेक्ट्स नहीं इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अंत्योदय एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस कर गई है, कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेन्स को उनके साथ नई कोचेज जोड़ी गई हैं, तो बहुत सारी नई चीज़ें हो रही हैं। बट इस रेल बजट का पहला और प्राथमिक गोल ये रहा है कि पैसेंजर्स को किराया बिना बढ़ाए गए आप अपनी करंट एसेट्स को और जो आपके पास लैंड है, ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं आपके पास, उसको कैसे आप मोनेटाइज कर सकते हैं और इनोवेटिव फाइनेंसिंग जनरेट कर सकते हैं रेलवे को फंड करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने के लिए। तो रेल मंत्री जी को और रेल विभाग को बहुत एक मुबारक देनी चाहिए कि उन्होंने पैसेंजरों को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दे रहे हैं लेकिन किराए पे बिल्कुल भी जोर नहीं डाला है और इनोवेटिव फाइनेंसिंग PPP के मोड के द्वारा रेल को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर रहे हैं। ओके, ये आपका जवाब है लेकिन मैं